स्वागत है आपका मोबाइल न्यूज 24 में। मैं हूं नूपुर सिंह और आइए देखते हैं आज की ताजातरीन खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। इस दौरान साइबर अपराध प्रबंधन, आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी के बढ़ते उपयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिटेन के नए पीएम भारतवंशी ऋषि सुनक आज प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें कि सुनक यूनाइटेड किंगडम के पहले हिंदू और अश्वेत प्रधानमंत्री होंगे। वहीं 29 अक्टूबर को कैबिनेट का गठन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में आर्सेलर मित्तल के हजीरा स्टील प्लांट के एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। पीएम के अलावा केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और आर्सेलर मित्तल की कार्यकारी चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल शामिल होंगी। नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज से शुरू करेंगे अपना हकीकी आजादी मार्च। आज नहाई खाई के साथ शुरू होगा सूर्य देव की उपासना का महापर्व छठ। यह त्योहार 4 दिनों तक चलेगा। आज के दिन वर्ती लौकी और चावल का भोजन करते हैं। दिल्ली सरकार वाहनों से होने वाले प्रदूषण कम करने के लिए आज से शुरू होने वाले रेड लाइट और गाड़ी ऑफ अभियान को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बंद करने का आदेश दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज फरीदाबाद के NIT में पीपी मॉडल पर बनाए गए नवनिर्मित बस अड्डे जनता को समर्पित करेंगे। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह जानकारी दी है। हिंदी साहित्य जगत की प्रसिद्ध पत्रिका हंस आज से अपने वार्षिक साहित्य उत्सव का आयोजन कर रही है, जो 30 अक्टूबर तक नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में चलेगा। CEO एलन मस्क को आज शाम 5 बजे तक पूरा करना होगा ट्विटर अधिग्रहण सौदा, नहीं तो होगी कार्रवाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्फेंट्री दिवस के मौके पर आज गलवान के श्योक पुल से जम्मू संभाग की 17 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद पंजाब आने जाने की दूरी कम होगी। 3 नवंबर को मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी, जिसमें महंगाई कम करने के उपायों पर हो सकता है मंथन। वोटर लिस्ट से यादव व मुसलमानों के नाम काटने के आरोप पर चुनाव आयोग का अखिलेश को नोटिस, 10 नवंबर तक मांगा जवाब। विधानसभा उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी के लिए प्रचार नहीं करेंगे सीएम नीतीश कुमार। वहीं जदयू ने विधानसभा उपचुनाव के प्रचार से दूर रहने का कारण राजनीतिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य संबंधी बताया। राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र, अबू धाबी में फंसे पंजाबियों की मदद के लिए की अपील। हरियाणा जिला परिषद और पंचायत समिति के प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, आज शाम बंद होगा प्रचार। सेना की बैंड के स्वर लहरियों के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट हुए बंद, घर बैठे इस पावन शरण लाए दर्शन के। दुमका में तेल टैंकर में विस्फोट, 5 यात्री बसों में लगी आग, चालक की हुई मौत, वहीं एक व्यक्ति इस हादसे में हुआ घायल, जिस कारण आसपास कोहराम मच गया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 65 वर्षीय बुजुर्ग दलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने संबंध में मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश में टिकट को लेकर रूठों को मनाने के 6 दिन बाद बिलासपुर से निकले बीजेपी अध्यक्ष नड्डा शिमला पहुंचे, यहां भी होगी मान मनोबल। कल से कोलकाता में शुरू होगा 4th बांग्लादेश फिल्म महोत्सव, दिखाई जाएगी 36 फिल्में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने छठ पूजा के लिए BMC द्वारा दिए गए 2 आदेशों को रद्द कर दिया है। एक आदेश में BMC ने एक आयोजक को पहली दी गई अनुमति रद्द की, दूसरे आदेश में उसी स्थान पर दूसरे समूह की अनुमति प्रदान की थी। कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पूर्व सांसद रघुवीर मीना ने PM नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की। दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में चलती ट्रेन में सिपाही को चाकू मारकर राइफल लूटने का मामला, रेलवे SP ने GRP थाना अध्यक्ष शमीम को किया सस्पेंड, घटना के बाद शिथिलता बरतने पर हुई कार्रवाई। रेलवे गेटमैन की लापरवाही के कारण इलाहाबाद झांसी पैसेंजर जब कमालपुर गेट नंबर 420 के पास पहुंची, तो ड्राइवर ने देखा लाल झंडी लाइन पर लगी हुई है और गेट खुले हुए हैं। तब जाकर ट्रेन के सभी ड्राइवर उतर के गेट के पास पहुंचे तो गेटमैन नशे में सो रहा था, जिसकी लापरवाही कई जिंदगियों का खतरा बनी। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।